नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने पहुँचे हैं मारुति सुजुकी बेलेनो, जो कि एक नेक्सा लाइनअप की कार है। शुरुआत करेंगे हम इसके लुक से, उसके बाद इंटीरियर, फिर इसके परफॉर्मेंस, इसी तरह से सभी इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लैक व्हील्स के साथ। यहाँ से आप बेलेनो के फ्रंट लुक को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में। चलिए इसको थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। इसमें हमें प्रोजेक्टर टाइप के हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये DRLs देखने को भी मिल जाएंगे। और इसमें जो क्रोम ट्रीटमेंट किया हुआ है, ये यहाँ से लेकर पूरा ग्रिल्स के नीचे से होते हुए पूरे यहाँ तक ऐसे गया हुआ है। इसी वजह से यह पूरा बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है देखने में। और इसमें हमें कुछ इस तरह से वेव टाइप से डिज़ाइन में इसका ग्रिल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये बड़े सा सुजुकी का लोगो भी दिया गया है। इसमें फॉग लैम्प के लिए भी आपको जगह दिया गया है, इसमें आप फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ से भी इसके रेडिएटर में अच्छे तरीके से हवा पहुँचने के लिए बहुत ही बेहतर सुविधा दिया गया है। ऊपर से आप इसके बोनेट के डिज़ाइन को देख सकते हैं, यहाँ से ये कर्व शेप में ऐसे फोल्ड किया हुआ है, और ये पूरे यहाँ फ्रंट ग्रिल तक आया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और यहाँ से आप ये किनारे से भी इसके फेंडर को देख सकते हैं, इसमें भी एज शेप में डिज़ाइन दिया हुआ है। और इसका जो बोनेट का लेंथ है वो बहुत ही बेहतर दिया गया है। और इसमें हमें कुछ इस तरह से दो वाइपर देखने को मिल जाते हैं, और इसका जो वॉशर है वो यहाँ नीचे में लगाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप इसके ब्लैक ट्रीटमेंट को देख सकते हैं, जो कि इसके लुक को और भी इन्हेंस करता है। और यहाँ से ये रहा इसका विंडशील्ड, जो कि बहुत ही ब्रॉड डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें हमें ये जो बीम मिलता है, यह मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में दिया गया है। साइड प्रोफाइल को देखें तो यहाँ कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और सुजुकी की यह कार मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। इसके डिज़ाइन में आपको कहीं भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको सभी एंगल से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ पे आप इसके पिलर को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है, जैसे कि यहाँ से आप इसके ये वाले बीम को देख सकते हैं। और इसका जो डोर हैंडल है, यह कुछ इस तरह से दिया गया है। जो ग्लास एरिया है वो बहुत ही डिसेंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके फ्रंट ग्लास को भी देख सकते हैं, और इसमें हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स देखने को मिल जाते हैं विथ टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर आप इसके व्हील आर्च को देख सकते हैं, इसमें हल्का से यहाँ से बम्प निकाल के ऐसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर इसके टायर की बात करें तो इसमें 185/65 के सेशन के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 15 इंच के स्टील रिम के साथ में आता है। इसमें आपको अलॉय व्हील का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके ये पूरा ग्लेडिंग को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बढ़िया पूरा फ्रंट के व्हील आर्ची तक मस्त से जोड़ा गया है। और यहाँ से आप इसके फ्रंट टायर के प्रोफाइल को देख सकते हैं, ये भी 185/65 के टायर है। पीछे से आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं, इसमें हमें यहाँ पर ये LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये बल्ब दिया हुआ है, और ये जो रहा रिवर्स लाइट के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। और आप इसके पीछे के लुक को देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से एज टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये नंबर प्लेट के लिए लाइट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये पुश बटन देखने को मिल जाएगा, उसकी मदद से आप इसके बूट को बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। और इसके पीछे के विंडशील्ड को देखें तो इसमें हमें डिफॉगर के साथ साथ ये वाइपर देखने को भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको नेक्सा का बैचिंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये बेलेनो का बैचिंग दिया हुआ है, और ये आपको सुजुकी का लोगो देखने को भी मिल जाएगा। और इसमें जो रियर स्टॉप लैंप है वो स्पॉइलर पर माउंट किया हुआ है। और ये रहा इसका फ्यूल टैंक, तो लेफ्ट साइड से इसके पूरे डिज़ाइन को देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए अंदर चल के इसके इंटीरियर के लुक को देख लेते हैं, किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप इसके डोर पैडिंग को देख सकते हैं, जो कि देखने में तो सेम टाइप से दिखाई देता है, लेकिन यह ब्लैक और यहाँ पर ये नेवी ब्लू में डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अच्छा खासा आम सपोर्ट देखने को भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सभी विंडो के लिए कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, और इसमें ये ऑटो डाउन विंडो बटन दिया हुआ है, जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए दिया गया है। और इसमें ऑटो डाउन एंड ऑटो अप दोनों दिया गया है। और जो इसके OREMs है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और इसमें हमें यहाँ पर ये क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आपको बोतल होल्डर देखने को भी मिल जाएगा, और भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। और इसी डोर में ही यहाँ पर ये स्पीकर को माउंट किया गया है। बात करें अगर इसके सीट्स का, तो इसमें हमें रेक्सिन टाइप का फैब्रिक के साथ में सीट दिया हुआ है। इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप हेडरेस्ट देखने को भी मिल जाता है, और इसमें लंबर सपोर्ट और थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा दिया गया है। और इसका कुशनिंग भी हमें बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है।
और यह जो सीट है यह फोर वे एडजस्टेबल सीट दिया गया है। यहाँ पर आपको ये ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप इसके सेंटर कंसोल को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर यह रहा पार्किंग ब्रेक और इसमें हमें 5-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और यह दोनों ही पेट्रोल वाले वेरियंट के साथ में ही आएंगे क्योंकि यह डीजल वेरियंट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप सभी प्रकार के कंट्रोल देख सकते हैं, ये ब्लोअर के फैन के लिए, ये एसी ऑन ऑफ मोड ऑटो, और यहाँ से आप रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिया गया है, इससे आप हेजार्ड लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका जो स्टीयरिंग है यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसमें हमें वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए और ऑडियो नेक्स्ट करने के लिए भी दिया गया है, और भी इंफोटेनमेंट के लिए मोड को चेंज करने के लिए दिया गया है, और यहाँ से आप इसके सभी प्रकार के लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों ही वाइपर को कंट्रोल करने के लिए ये लीवर दिया गया है। और इसका जो स्टीयरिंग है यह टिल्ट एडजस्टेबल टाइप का दिया गया है, इसको आप अपने जरूरत के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कॉल अटेंड करने के लिए भी बटन्स दिए गए हैं, और ये रहा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, सुजुकी का ये लोगो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये एयरबैग लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसके पूरे मीटर कंसोल को देख सकते हैं, इसमें हमें एनालॉग टाइप में आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर दिया गया है, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर और फ्यूज दोनों देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पार्किंग लाइट का इंडिकेशन, यहाँ पर ये टेम्परेचर, टाइम और रियल टाइम माइलेज, और ये टोटल माइलेज कितना दिया उसको बताया गया है, और ये रेंज, ये सभी प्रकार के आपको इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर देखने को भी मिल जाता है। तो यहाँ देखने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ये दो रीडिंग लैंप देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें माइक देखने को भी मिल जाएगा, और ये रहा को ड्राइवर साइड का सनवाइज़र, और ये ड्राइवर साइड का सनवाइज़र। केबिन के यहाँ बीचों बीच में रूफ पर रीडिंग लैंप भी दिया गया है, और यहाँ से आप ये ड्राइवर साइड के सीट को देख सकते हैं, जो कि देखने में स्पोर्टी दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने को भी मिल जाएगा। इसका जो कर्व वेट है वो 865 टू 910 केजी तक का वेरी करता है अपने वेरिएंट के हिसाब से। और अगर बात करें इसके डायमेंशन का, तो जो इसका टोटल लेंथ है वो 3995 mm का दिया गया है, और इसका जो चौड़ाई है वो 1745 mm का है, और इसमें हमें 1500 mm का हाइट देखने को मिल जाता है, और इसका व्हील बेस है वो 2520 mm का दिया गया है। तो जैसा कि आप ये देख ही चुके हैं कि इसका डायमेंशन के हिसाब से यह अपने सेगमेंट में कम हाइट और चौड़ा अधिक बनाया गया है। बेलेनो में हमें 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन का, तो इसमें मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के फ्रंट सस्पेंशन और टॉर्सनल बीम के साथ में रियर सस्पेंशन दिया गया है। तो चलिए इसके रियर सीट पर चलकर देखते हैं और देखते हैं कि कितना कंफर्टेबल बनाया गया है। और यहाँ से आप इसके डोर को देख सकते हैं, कुछ इतना ओपन होता है, लगभग ये 75 टू 80 डिग्री तक ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप इसके डोर पैड को देख सकते हैं, इसमें भी ब्लैक एंड नेवी ब्लू दिया गया है, और यहाँ पर आपको लाइट ग्रे कलर का टच देखने को मिल जाता है। और इसका जो ये हैंडल है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ में ही आता है, और इसमें भी हमें ये बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके बैक साइड के सीट को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, और इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट देखने को भी मिल जाते हैं। तो चलिए इसके सीट पर बैठकर देखते हैं कि कितना कंफर्टेबल बनाया गया है। और यहाँ पर ये आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट करने के लिए भी जगह दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके सीट में आपको बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल महसूस होगा, और जो अंदर थाई सपोर्ट है वो भी बढ़िया देखने को मिल जाता है, और आप अपने पैर को बड़े ही आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपका हाइट 6 फीट या उससे थोड़ा बहुत भी अधिक होगा तब भी इसमें आप बड़े आसानी से बैठ पाएंगे। और ये पीछे साइड में आपको ये चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये आपको बोतल होल्डर देखने को भी मिल जाएगा। और इसमें हमें तीनों ही पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट दिया गया है। और ये रहा पीछे से इसका लुक, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सामने इसका व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बात करें इसके हेडरूम का, तो इसमें आपको अच्छा खासा हेडरूम भी देखने को मिल जाएगा, मतलब स्पेस के मामले में भी इस गाड़ी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इसके फ्लोर को देखें तो इसमें हमें यहाँ पर ये बम्प देखने को मिल जाता है, बाकी सब फ्लैट दिया गया है। बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स का, तो इसमें डुअल एयरबैग और फ्रंट डिस्क ब्रेक, उसके साथ साथ ABS प्लस EBD देखने को मिल जाएगा। अभी बेलेनो का 4 वेरिएंट आता है, एक सिग्मा, डेल्टा, जेस्टा और अल्फा। और जो इसका डेल्टा और जेटा है उसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला बेलेनो खरीदना चाहेंगे तो आपको डेल्टा और जेटा दोनों में से ही कोई एक खरीदना पड़ेगा। तो चलिए इसके बूट स्पेस को देखते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे पुश बटन दिया, उसको पुश करना पड़ेगा। पुश करते ही बड़े आसानी से यहाँ
हाइड्रोलिक रॉड की मदद से बड़े आसानी से ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप इसके पार्सल ट्रे को देख पा रहे होंगे और इसमें हमें 339 लीटर का मैसिव साइज में बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और इसके जो बूट का जो गहराई है वो लगभग 1 फीट तक का दिया गया है। और ये रहा वो पुश बटन, और आपको इसको बंद करने के लिए ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इसको बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। फ्यूल टैंक के कैप को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, और इसके बोनेट को ओपन करने के लिए ये नॉब दिया हुआ है, इसको पुल करने से बोनेट को आप बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी का, तो इसमें आप 37 लीटर तक का पेट्रोल डला सकते हैं। यहाँ से आप इसके बोनेट को देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से इंसुलेशन किया गया है और इसका जो बोनेट का वेट है वो काफी हैवी बनाया गया है। बात करें अगर इसके इंजन का, तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ में आता है। और ये वाला जो इंजन है ये जाना जाता है अपने रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए, पर यह मारुति का काफ़ी फेमस इंजन है। इसी इंजन को मारुति ने अपने फेमस मॉडल जैसे कि स्विफ्ट, इग्निस, बलेनो, इन सभी में दिया गया है। और यह बहुत ही बैलेंस कंडीशन में चलता है क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर दिया गया है, और यह जाना जाता है अपने कम रखरखाव और अच्छा खासा माइलेज के लिए। और सुजुकी जो है हमेशा ही अपने बजट कारों में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस वाला इंजन देता है, जो कि आपको माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देता है। और यहाँ ऊपर से आप इसके पूरे अरेंजमेंट को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा इसका एयर फिल्टर, यहाँ पर आपको मास्टर सिलेंडर देखने को मिल जाएगा ये वाइपर के लिए, और नीचे में आपको वो एसी कंप्रेसर, और यहाँ पे ये रहा कैटलिटिक कन्वर्टर, और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और अगर इस साइड में देखें तो ये रहा रेडिएटर के लिए कैप, और यहाँ पे आपको ओवरफ्लो रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा, ये रहा बैटरी, और इसके अंदर में आपको सभी प्रकार के इसके फ्यूज देखने को मिल जाएंगे। और भी अनेकों प्रकार के इसमें सेंसर्स वगैरह लगाया गया है, जैसे कि वहाँ पर देख पा रहे होंगे वो ABS के लिए लगाया गया है। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह इंजन 82 BHP का पावर पूरे 6000 RPM पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4200 RPM पर प्रोड्यूस करता है, और जो इसका स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है वह 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 RPM पर प्रोड्यूस करता है। इस कार में आप इस इंजन की मदद से अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ साथ 17-18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करके आपको इसके केबिन नॉइस सुनाते हैं कि इंजन का नॉइस जो है केबिन तक कितना आता है। आप इसके नॉइस को सुन पा रहे होंगे, अभी जो इंजन है वो वार्म अप हो रहा है, इस वजह से इसमें RPM जैसे कि आप ये देख सकते हैं वेरी कर रहा है, इसी वजह से जो है इसके इनिशियल RPM पर भी अभी आपको अधिक नॉइस आ रहा होगा। तो जैसे कि आप ये सुन सकते हैं कि आपको इतना इसके अंदर केबिन नॉइस देखने को मिलेगा। तो इतने सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं आपको मारुति सुजुकी बेलेनो में, जो कि इस कार को खास बनाता है। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सुझाव देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।